देवास शहर के एमजी रोड पर नगर निगम द्वारा कार्यवाही की गई, जहां रोड पर लगी दुकानों पर निगम द्वारा कार्यवाही करते हुए सामान भी जब्त किया गया। बता दें कि नगर निगम द्वारा यहां पर पिछले कई दिनों से लोगों को अपना सामान अंदर करने की हिदायत दी जा रही थी, जिसके बाद में आज नगर निगम ने कार्यवाही करी और दुकान लगाने वाले दुकानदारों के सामान भी जब्त किया। कई जगह पर रोड पर आ रहे फ्लैक्स और बैनर को भी हटाया गया। आपको बता दें एमजी रोड पर आए दिन अतिक्रमण के चलते वाहन चालकों को अपने वाहन निकालने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर नगर निगम द्वारा लगातार समझाइश देने के बाद भी दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटने पर आज कार्यवाही की गई। निगम द्वारा पीठा रोड और एमजी रोड पर पिछले 15 दिनों से कई बार माइक से घूमते खबर दी गई थी कि रोड के नीचे जो फुटपाथ की जगह है 5 से 8 फीट, इसमें आप आपकी दुकान का कोई सामान ना रखें और ग्राहक जो आते उनकी मोटरसाइकिल नीचे खड़ी कराएं ताकि रोड पर कोई जाम ना लगे। बार बार समझाइश देने के बाद कुछ लोगों ने हटा लिया है। जो लोग नहीं हटा रहे हैं उन लोगों के आज सामान की जब्ती करी है और जो लोग हटाते जा रहे हैं वो लोग अपना अपना अंदर रखते हैं। देखा जा रहा है कि आप जो दुकान रहती है सामने उनके सामने कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं, उसको लेके क्या कार्रवाई करेंगे आप? मोटरसाइकिल का यही है कि ये फुटपाथ की जगह में अपने स्टूल रख लेंगे तो ग्राहक को मजबूरी में रोड पर मोटरसाइकिल रखनी पड़ती है। यदि वो आगे अपनी फुटपाथ की जगह खाली करके रखेंगे तो मोटरसाइकिल नीचे खड़ी होगी और रोड खाली रहेगा। नहीं मान रहे तो थोड़ा बहुत सामान जब्त किया है कि भाई अब तो कम से कम अंदर करेंगे लोग खड़े होकर। यही यहाँ बार बार जाम लगता है एमजी रोड पे, लोगों को आने जाने वालों को सुविधा हो सके इस कारण से ये ऊपर हमारे जो भी महापौर जी सभापति जी और कमिश्नर सर निर्णय लेंगे उसके बारे में। अभी जो अस्थायी अतिक्रमण है उनको हम वापस लगाएंगे, तभी हम लोगों ने कम सामान जब्त किया अगली बार जितना भी सामान है लोग रोड पर रखे। अभी यहाँ से हमने शुरुआत करी है, 2 रोड लिए हैं, धीरे धीरे करके सारे रोडों पर। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।